Thank you. आप सबका खैर मकदम है मैं हूँ आपकी मेजबान शाफिया रियाज और मैं हूँ आपकी मेजबान आसिमा महराज। नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है आवाम की बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहे वो बात डेवलपमेंट की हो करप्शन की हो एजुकेशन की हो या ड्रग्स की जैसा कि आपको पता है पिछले एपिसोड में हमारे कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज हम पूरा करेंगे तो आइए बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ गुरेज जो है ये हर शुबे में काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है क्या वजूहत है इसके गुरेज के लिए धीमी रफ्तार इसीलिए रही क्योंकि सात महीने आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो चार महीने आप कितना काम कर सकते हैं वो तो आपके सामने आया है चार महीने में आप जो एक साल का काम चार महीने में नहीं कर सकते जिस तरह एक बच्चे को उसको T1, T2, T3 करके उसके एग्जाम में लिए जाते इसी तरह से इसमें अगर वो फिर एक साल में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करता है और अगले साल पास हो जाता है जिसने मेहनत की लेकिन गुरेज में ऐसा नहीं है गुरेज में आपको चार महीने एक, सा, एक साल का, का काम चार साल में करना है वही वजह है सबसे बड़ा बड़ी कि और दूसरी बात है आपके पास जो कंट्रैक्ट्स मिलते हैं ठेकेदारों के पैसा नहीं आता है उधर से गवर्नमेंट जैसे द, आपका एक लाख का दस लाख का प्रोजेक्ट है दस लाख में आपको ठेकेदार को बोलते हैं काम शुरू कर वो बेचारा काम शुरू करता है और अब एक लाख रुपये दस लाख का काम उसने पाँच लाख तो खर्चा कर दिए सात लाख खर्चा कर दिए लेकिन उसको अपने सात लाख लाने में सात साल लग जाते हैं आधा काम वो तो उधर ही छोड़ देता है कई वजूहत हैं ये ऐसे इलाके में जिस अभी अभी मैं बता दूं कि गुरेज में अभी टेंडर होने लगे हैं अभी टेंडर होंगे तो काम कैसे होगा तीन महीने तो रह गए हमने कई बार प्लान दिया कि आप गुरेज में जो दिसंबर महीना है दिसंबर महीने में आप चाहे ब्लॉक का है चाहे आर एन का है पी का है हायर एजुकेशन का है स्कूल एजुकेशन का आप इनके प्रोजेक्ट नवंबर दिसंबर में ले लो और मार्च में इनको आप प्लान बना के अप्रूव करके इनको दे दो ताकि वो मई मई रास्ता खुलते ही काम शुरू कर पे लेकिन बदकिस्मती है हमारी ये काम हो नहीं पा रहे हैं वजूहत क्या हैं उसके पीछे हम नहीं जा पा रहे हैं न जो सुन रहा है शायद वो अनदेखा कर रहा है यही वजह है कि गुरेज जो है वो धीमी रफ्तार से डेवलपमेंट में बहुत पीछे चल रहा है हमारी गुजारिश होगी आपकी वसादत से कि गुरेज को आप कंपेयर मत कीजिए बाकी जगहों के हम यहाँ पर छः महीने जो बिल्कुल बंद रहते हैं तो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर में जो वहाँ बांडीपुरा श्रीनगर से जो कोटा आ जाता है उसकी तीन महीने हमारी वैलिडिटी होती है लास्ट में हम वही दस जनवरी फरवरी का सीज़न जैसे आ जाता है तो वो सारा एक्सपायर होता है वो एक्सपायर हम लोग खाते हैं क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही परेशान होते हैं यहाँ पर हर जगह कोई किसी चीज़ की सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं है तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो जहाज़ वगैरह या खासकर हमारी जो टेंडल अगर बन जाती है तो उसके ज़रिए हमारा मतलब जो भी हरा हरियाली सब्जी वगैरह होती है वो सब हम खा लेते हैं यहाँ पर एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए क्योंकि जो भी सब्जी आए विंटर को उस कोल्ड स्टोर में उसको जमा किया जाए तो विंटर में हम फ्रेश सब्जी खा सकते हैं और विंटर में बिल्कुल जहाज जो है वो चलाया जाए उस सर्विस बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर कर दी जाए क्योंकि पाँच सवारी लाती है वो हेलीकॉप्टर उससे कोई काम नहीं होगा अगर रेगुलर सर्विस लगाई जाएगी यहाँ पर तो इससे हमारा मसला हल होगा ग्रेस में जो ही ये हमारा रास्ता बंद होता है दो चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को मुश्किलात में डालती हैं नंबर एक मेडिकल का यहाँ सिस्टम है लेकिन कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादातर सरजों में शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गोकोलॉजस्ट वग़ैरह फिजिशन नहीं है उस वजह से डर के मारे यहाँ पे खासकर जो हमारी यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए ये जारी करते हैं कि भाई इनको शिफ्ट करो जी सबसे पहले मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ कि आप इस सरहदी इलाके में यहाँ आए और यहाँ पे जो लोग रह रहे इनके मसाइल और मुश्किल का अजाला कुछ करने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने बड़े और तामुल से सुना इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मशहूर और ममनून हूँ देखिए जहाँ तक यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बात की मख्तल चीज़ों की मख्तलि मुश्किल का यहाँ पर इन्होंने इजहार किया लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जिस चीज़ को लेकर मैं हमेशा तश्वीश में और पूरे आलम में और पूरे लोग इस वक्त हर एक चीज़ पर तोजा देना चाहते वो होता है एजुकेशन जिस कौम का एजुकेशन जिस कौम के नौजवान लोग तालीम याफ़्त होंगे वो कौम तरक्की याफ्ता होती है जिस कौम के नौजवान तालीम से जेवर से महरूम रहेंगे वो कौम तरक्की कभी नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये तरक्की किया हमने वो किया लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इस पसमानदा इलाके के लिए अभी तक कुछ नहीं किया क्योंकि जहां तक रास्ता पानी और बिजली का ये इंसान के ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ें दी कोई हम पे एहसान नहीं जताया है एहसान तब था गवर्नमेंट का अगर जैसे कि यहाँ पे सवाल पूछा गया कि जब समर आता है विंटर आता है तो यहाँ पे गुरेज के लोगों को क्या मुश्किल होती है मोहतरम में आप लोगों को बता दूँ जो गुरेज जो है वो तीन खितों में तकसीम है जैसे कि कंजलवन एरिया यहाँ मिडल एरिया हमारा तीसरा हो गया तुलेल एरिया मैं समझता हूं कि गुरेज एरिया जो हमारा मिडल जोन है इस पर थोड़ा बहुत तरक्की जो है वो दिख रही है दूर से लेकिन वो गुजरान का इलाका वो चकवाली अगर हमारी कोई बहन जचगी वाली होगी वो जेर इलाज होती है उसको चकवाली से जहाज़ नहीं मिलता है श्रीनगर या बांडी पर लिफ्ट करने के लिए और प्लस आप हमारा जो हॉस्पिटल है सब जिसको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और मैं समझता हूं कि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ख़्वाब गरगोश में सोई हुई है क्योंकि हमारे एसडीएम डी एम या टूरिस्ट डिपार्टमेंट का या कोई भी हमारे डीसी सी साहब वो इसी बानडीपोरा गुरेज रोड से आते हैं लेकिन उनको ये सोच नहीं है वो ये नहीं सोचते कि जिस रास्ते से हम आते वो रास्ता खस्ता है ख़राब है इस रास्ते पर तोजा देना होगा लेकिन यहाँ के सियासतदान यहाँ के और भी कोई इस एरिया को पहले से ही निगलेक्टेड किया गया है सर आपसे एक सवाल है आप मुझे बताइए अगर पिछले सत्तर साल से आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो देखिए वोट आ, वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इट मीन इसकी हमने किसी पॉलिटिकल लीडर को चुना पॉलिटिकल लीडर को अगर हम चुने ना चुने लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे सारी रेस्पॉसिबिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट की नहीं बनती और पॉलिटिकल लीडर की नहीं बनती बिकॉज वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक सिविल सिटीज़न के डिफरेंट राइट्स होते ये ज़रूरी नहीं है कि पोलिटिकल लीडर को एक चंक का पीपल को एड्रेस नहीं करना पड़ा क्योंकि पोलिटिकल लीडर को एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस करना पड़ता है हमारी सिविल सोसाइटियां मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारा कुछ जो प्रोसेस है वो एक पोलिटिकल लीडर को करना चाहिए मैं एक सिविल सिटीजन हूँ मैं एक शेयर हूँ मेरे भी कुछ राइट्स है को करेगी। देखो जनाब ये खुशी की बात है कि आप यहाँ आए हमारे मसाइल उजागर करने के लिए जहाँ तक इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से क्योंकि हम कई सालों से सुनते आए हैं मोदी है तो मुमकिन है एक छोटा सा मसला है गुरेज के तमाम मसाइल तब हल हो सकते हैं जब गुरेज के लिए टनल बन जाए वाद जरिया गुरेज की तरक्की का एक ही है वो है टनल अब हम बाकी छोटे मसाइल जितने कहेंगे ये तो हमारा कई सालों से चलता आया है कहते हैं होते हैं छोटे मसाइल होते हैं यहाँ की टोपोग्राफी भी ऐसी ही है कि हमारा रोड जितना ठीक करेंगे महीना दो महीना विंटर जब छः महीने बर्फ रहती है वो ख़राब भी हो जाता है लेकिन सबसे बड़ा अहम मामला जो है तमाम मसाइल तब हल हो जाएंगे जब गुरेज के लिए अगर गवर्नमेंट वाकई में चाहती है गुरेज को डेवलप करना तो सबसे अहम और बड़ी बात जो है गुरेज के लिए टनल दे इससे अलावा और कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे गुरेज तरक्की करे सबसे पहले मैं मैम एक बात बता दूंगी आज से 18 साल या 21 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि गुरेज कहाँ पे है जो इन अठारह सालों में 21 सालों में एक बात हो गई की सारे जो जम्मू कश्मीर में ये चीज पता चल गई पूरे इंडिया में एग्जेक्टली exactly गुरेज और लोकेशन है ये गुरेज कहाँ पे है और एक बात बता दू डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का गुरेज जो है इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में एक ही कॉलेज है हमारे दो दो तहसीलों में दो अलग अलग कॉलेज है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है गुरेज के लिए और हमारा एक आई आई है अब यहाँ पे सर एक बात बता दू कलियरली जो यहाँ पे लोगों को जो तरक्की है मेन जो हम यंग यूथ से हमें बेसिकली तरक्की का अच्छे से पता नहीं कि तरक्की डेवलपमेंट क्या होती है हमारे यहाँ पे तरक्की आई स्कीम दे दिए कोई बंदा उसके पीछे पड़ गया इसको आई स्कीम क्यों दे दी इसके पास घर है ऑलरेडी उसके पीछे पड़ गए उस बेचारे गरीब का हमने गला गोड़ दिया चाहे वो पोलिटिकली या कोई और इश्यू था हम सभी आपस में झगड़ा हो रहा है इसकी पॉलिसी आ गई है दूसरा बंदा जाके वो रुकवाता है ये गुरेज की तरक्की है ये हमारा काम है यहाँ पे नहीं, हम चुनते हैं हमारे पास मतलब उनकी एक इमेज होती है कि मैं फलानी बंदे को वोट दूंगा वो 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 तो वो क्यों नहीं कर रहे हो देखिए यहाँ पे गुरेज बदकिस्मती का मुकाम ये है गुरेज जो है वो उन्नीस से सियासी बदनजमी का बहुत हद तक शिकार हो चुका है यहाँ पे क्या है कि जो सो कल हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है इस एरिया के उनके हर कोई एक प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप होता है हर एक लीडर के अपने लोग होते हैं जो जिनको अच्छी तरीके से सहूलियत पहुंचाना चाहते आपको चंद मिसालों मिसालें देकर मैं आप लोगों को जैन जो है अपनी तरफ मबरूज़ करवाना चाहूँगा यहाँ पे हाई स्कूल कोरकबल है जो बान्डीपुर से आते हुए जो पहला गांव पड़ता है हाई स्कूल कोरकबल है बदकिस्मती का मुकाम ये है वो स्कूल पिछले तीन साल से हेड मास्टर की कुर्सी जो है खाली पड़ी है प्लस वहाँ पे जो मास्टर ग्रेड, ग्रेड की अपॉइंटमेंट हुई है उनमें से एक उस्ताद हमारे जो है वो दावर में इस वक्त ड्यूटी दे रहा है दूसरे हमारे तिलेल में ड्यूटी दे रहे हैं बदकिस्मती देखिए वो उनकी तनख्वाह जो है वो कुरबल के हाई स्कूल से निकलती है लेकिन उनकी जो इस वक्त प्लेसमेंट है वो तिलेल और दावर में है और दूसरी बात हमारा जैसे कि सुम, हमारे जो एक तिलेल का जुरनेल हाई स्कूल है वहाँ के कुछ टीचर साहिबान इस वक्त सुंबल में ड्यूटी दे रहे हैं अफसोस का मुकाम देखिए क्या है इस वक्त गुरेज के लोगों के साथ और यहाँ पे सुम्बल का यही जरनेल हाई स्कूल का एक और टीचर है बदकिस्मती का मुकाम ये है बबतौर में वो ड्यूटी दे रहा है

हर कोई गुरेज का बंदा मुझे बोलेगा बिल्कुल शाहनवाज साहब आप ये काम ठीक करें लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास मुझे जाना होगा मुझे अकेले जिस तरह से एक कैप्टन जो जो होता है उसको अकेले समंदर में छोड़ा जाता है उसी तरह से ये आपको अकेले छोड़ेंगे ये आपको पीछे से बैक नहीं करेंगे क्योंकि ये अफसोस का मुकाम है यहाँ के लोगों के लिए हमने इन लोगों को नामिनेट किया लेकिन मैंने पहले ही कहा जब तक ना हम खुद तैयार नहीं इस चीज़ के लिए आप किसी को ज़बरदस्ती जो है नहीं कर सकती हो और हम दूसरी चीज़ गुरे जो है बहुत ही फर्टाइल है यहाँ के बेरोक्रेट्स भी निकले हर साल यहाँ के दो दो तीन तीन एम हमारे बच्चे जो है वो क्रेक करते कॉमन इंट्रेंस टेस्ट और वो लोग इस वक्त आप जाकर दावर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात देख ले वहाँ के जाकर आप उनका स्टेटस चेक कीजिए हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं इस वक्त वो श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ हस्पताों में अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटियाँ दे रहे और उनका तनख्वाह जो है वो कहाँ से निकलता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरे से निकलता है ये क्यों निकलता है इसके पीछे देखिए एक बार फिर वही बात पॉलिटिकल कहेंगे कि ये पॉलिटिकल किसी प्रेशर के जरिए मैं इस वक्त भी किसी लीडर को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा

क्या आप सब उसका इक्वली लाभ उठा पा रहे हैं उसके फायदे इक्वली ले पा रहे हैं इसका गहराई से उन्नीस से लेकर मैं कहता हूँ फिफ्टी से लेकर मैंने देख लिया ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं किस तरीके से हमारे यहाँ बच्चे ग्रौदों में बैठकर पढ़ा है आप तो महलों का सोचते हैं आप इन गरुंडों का सोचिए ना जो बच्चे कोड़ा करकट में बैठकर पढ़ते हैं और जो बच्चा स्मार्ट uh, क्लास में पढ़ता है क्या इक्वल हो सकता है वो तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अगर एस टी का दे दिया था एक कैटेगरी कैटेगराइज कर दिया था गुरेज को लेकिन ऐसा हो गया कि हमारी गवर्नमेंट मैं ये कहूँगा इट वाज सजेस्टेड बाय कश्मीर गवर्नमेंट जे एंड के कि उन्होंने मिगलअप कर दिया उसको जिस तरह से कारगिल के लिए लद्दाख के लिए या गोजरों के लिए अलग-अलग कैटेगरी है इफ इट हैज बीन कैटेगराइज एज ए गुरेज एस तो यहाँ के बच्चों को फायदा आ जाता इस तरीके से अगर कोई बात आ जाती है तो एकदम में लो, कुछ लोगों के दिलों में लगता होगा कि क्या ऐसी बात क्यों करता है गुरेजी को होना चाहिए भाई आप सोचो ना कि आप किस जगह रहते हो किस कैटेगरी में क्यों आते हो आप लोग जहाँ तक गुरेज ट्राइबल की बात की आप करगिल को एस टी करगिल देते हो और गुरेज को एस टी ओ में लाते हो एस टी ओ में है अदर्स अदर्स में सारे आते हैं जितने बांडीपुर में हैं श्रीनगर में हैं बारामूला में सब आते हैं मेरी एक पहली डिमांड है कि आप गुरेज को एस टी गुरेज दीजिए इधर के लिए दस परसेंट आप अलग रिजर्वेशन दीजिए एम्प्लॉयमेंट में दूसरा सवाल मैं मेरी तरफ से यह है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम जो है आप उसको देते हो सी चिल्ड्रन अलाउनस एज, एजुकेशन का और जो ग़रीब का इधर ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल हैं कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है गरीब का बच्चा जो है उसको मिलता है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलती है पंद्रह सौ सोलह सौ रुपये और सीए मिलता है अट्ठाईस हज़ार रुपये एक बच्चे का देट मीनज अगर किसी के दो बच्चे हैं वो लेता है लगभग छप्पन हज़ार सतावन हज़ार के करीब और गरीब का बच्चा लेता है तीन हज़ार मेरी गवर्नमेंट से पहली डिमांड होगी आप एस टी कैटेगरी होने के नाते गुरेज के हर बच्चे को सी मिलना चाहे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जिसके घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके बच्चों को सीए मिलना चाहिए अट्ठाईस हज़ार हर बच्चे को महीने का मिलना चाहिए जो मिलता है सालाना अट्ठाईस हज़ार मिलना चाहिए स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और वो मिलती भी नहीं है किसी किसी बच्चे को मिलती है जो सी है वो शायद गवर्नमेंट का कोई ऐसा एम्प्लाई नहीं है क्लास फोर से लेके फर्स्ट क्लास तक जो अपने बच्चे का सी नहीं लेता है आप ट्राइब में एक बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जिसके पास पंद्रह सौ स्कॉलरशिप्स वाला बढ़ेगा कि अट्ठाईस हज़ार सी लेने वाला बढ़ेगा दूसरी तो बात है आप एजुकेशन सिस्टम को अगर अच्छा करना चाहते हैं इधर प्राइवेट स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल नहीं आप गवर्नमेंट स्कूल में जिस तरह आप सपोर्ट्स का कंपटीशन रखते हैं आप इंटर स्कूल क्लास कंपटीशन रख दीजिए आप बड़ो आपका जो हाई स्कूल है उसका दावर हाई स्कूल के साथ रख रखिए ताकि बच्चों में भी पढ़ा, पढ़ाई का जो रुझान है वो बढ़ बढ़ जाए और जो क्लास टीचर्स हैं उनमें भी अपने ये कंपटीशन बढ़ जाए कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ने को जा रहा है तो गुरेज के लिए यह जरूरी चीज़ें हैं कि गुरेज के बच्चों के लिए अलग रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए आप एस से इसको बाहर निकाल दीजिए इनके लिए अलग रिजर्वेशन दीजिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तभी बढ़ सकती हैं अगर यहाँ पे इतनी अच्छी तालीम होने के बावजूद बच्चे क्यों जाते हैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए बाहर क्योंकि यहाँ वैसी फैसिलिटीज नहीं है खास करके विंटर्स में ट्यूशन नहीं मिलते हमें बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं खुद श्रीनगर में पढ़ती हूँ मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ तो यहाँ वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कॉलेज में होनी चाहिए स्कूल्स में होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिगर वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उनको फैसिलिटीज़ वैसी मिलती है हमें वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, हाँ कॉलेज बने हुए हैं स्कूल्स बने हुए हैं सब कुछ यहाँ अवेलेबल है लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है टीचर्स विंटर्स में होते ही नहीं क्योंकि है क्योंकि ट्यूशन्स पढ़ते नहीं है तो बच्चों को जाना पड़ता है श्रीनगर में जैसे कि मैम ने भी बताया कि यहाँ पर बिल्डिंग्स है बट फैसिलिटीज़ नहीं है तो क्या आपने कभी अपने एंड से कोशिश करी कि आपको फैसिलिटीज़ अगर बिल्डिंग आप उसको यूज़ कर पाए अच्छे से हमने बहुत सारों को ये सब बोला कि यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है मतलब यहाँ की मतलब वो चीज़ें नहीं है लेकिन वो हायर अथॉरिटी तक पहुँचती नहीं है हो सकते है, उनके पास पहुँचोगे लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ मिल जाए हमें तो हम नहीं चाहते कि जो हमारी जनरेशन ने मतलब आज तक सहा है जो वो आगे वाली जनरेसन से है हम चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा मिले यहाँ सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करते हैं वो सब उनको मिले लेब जो है वो नहीं चल पा रही क्योंकि यहाँ पर लेब असिस्टेंट्स नहीं है हमें वो चीज़ें दिखाने के लिए कोई नहीं है तो जो भी आते हैं चले जाते हैं देख के कोई मतलब कोई रिएक्ट नहीं करता हमारे तहसीलदार साहब हम यहाँ पे अवेलेबल है तो सर मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में आपका क्या कहना है क्या राय है आपकी अगर बिल्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है उनको फंक्शन क्यों नहीं बना पा रहे हो यहाँ तक आपका क्वेरी का सवाल है जैसे मैडम ने भी जवाब दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये रहती है कि जितने भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वहाँ पर स्टाफ की कमी होती है फंक्शनल नहीं है तो इस बारे में हम वक्पन वक्पन डी साहब के नॉलेज में लाते जो भी हमारे हायर अपस होते हैं कंसर्नड तो उनके नॉलेज में लाते हमारी भी कोशिश रहती है जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको इंस्टीट्यूट्स को फंक्शनल किया जाए गवर्नमेंट अगर कोई बिल्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्ट करती है अगर वहाँ पर स्टेप अवेलेबल नहीं है तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ दैट बिल्डिंग सो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है और हमने परसों भी लाया है हायर आपस के नोटिस में कि जहाँ पर भी हमारी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं उनका स्टाफ जो उनका इमिडियट रिक्वायरमेंट है स्टाफ की वो प्रोवाइड किया जाए तो हम भी इसमें हमारी तरफ जितनी भी हमारी कोशिश रहती है कि हम हायर आपस से वक्त वक्ता फवता ये मसाइल उठाते हैं ताकि हमारे जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं उनको फंक्शनल किया जाए कोविड होने के बावजूद भी बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखे कि वो घर घर जाके बच्चों को बुला के कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है अब हमारे बच्चे ऐसे कि उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता आप लोग आइए पढ़िए वो हमारी गलती है कोई जब फिर भी हम शुक्रगुजार उन टीचर्स के जो घर बार छोड़ के यहाँ आके हमारे स्टूडेंट्स के घर जाके बोलते कि आप आइए प्लीज पढ़िए तब भी हमारे स्टूडेंट्स जाके नहीं पढ़ते मैम हमारा आईटीआई आई है पिछले हमें पाँच छह साल हो गए ये फैसिलिटी दी हुई है आईटीआई आई गुरेज बना हुआ है आधे लोग आधे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गुरेज में आई, आई है क्योंकि हम लोग इसमें यंग यूथ हमारे जो स्पेशली हम खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम इन चीजों पर डिस्कस नहीं करते जाके हायर अथॉरिटीज से भी पूछ सकते कि हमारे यहाँ पे आई है ये फंक्शनल है यहाँ पे क्या-क्या क्या-क्या चीजें हो रही है। अब रही बात हमारे कॉलेज की जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्स के लिए क्यों कर रहे यहाँ पे जो बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनके जिन घरों जिन में पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि उनके बा, माँ बाप बेचारे जो है वो गरीब तबका है तो हमारे जो बच्चे जो है विंटर्स के लिए यहाँ पे ट्यूशनस लगाने अगर वो चाहते हैं कि वो दस हज़ार बीस हज़ार दे दे उसके बावजूद भी यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके माशाल्लाह बांडीपुरा में श्रीनगर में अच्छे खासे घर बने हुए तो वो क्यों यहाँ पे तकलीफ में रहे वो जाके वहाँ से आराम से बैठ जाते और हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ गुर्बत में पढ़ जाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि वो श्रीनगर में जाके एक रूम पकड़ते एक मजदूर बाप मजबूर होता है अपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उनको श्रीनगर भेजता है जहाँ पर उनको एक रूम एफोर्ड करना पड़ता है वहाँ से वो ट्यूशन ले तब जाके यहाँ के एग्ज़ाम देते गोटिफिकेशन वगैरह हम लोग पास हो जाते रहा सवाल एजुकेशन का जितने हमारे स्टूडेंट से आज तक हम लोगों ने जितनी मैंने पढ़ाई की यहाँ पे मैंने इतना ही याद किया है मुझे सिलेबस में ये ये क्वेश्चन आने वाले रट्टा मार के गोटिफिकेशन मैंने याद की एग्ज़ाम दे दिया पास हो गया वेली का पाँचवीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा और यहाँ का कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा ज़ीरो है यहाँ के कॉलेज वाले बच्चे में उतनी एबिलिटी नहीं है जितनी वहाँ के फिफ्थ पास स्टूडेंट की एबिलिटी है वो इस वजह से क्योंकि वहाँ उनको वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको एग्ज़ाम पास करना है वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको कॉलेज गेन हो जाए हम यहाँ पे इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एग्ज़ाम पास करना है जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन खत्म कर दे कोई फोर्थ क्लास नौकरी आ जाएगी और हम उसमें लग जाएंगे गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ से बाकी डॉक्टरों को भेजे आई एस अफसर जो है वो गुरेज में उसका पोस्टेड नहीं है वो तो श्रीनगर में रहेगा ये खाली एस का नहीं है कि एस का डॉक्टर गुरेज का बन गया इंजीनियर बन वो गुर्रेज में आके नहीं उन्होंने अपने पाँच साल दिए जो सी में है वो दे रहे ये गवर्नमेंट का काम है कि वो यहाँ पर किसी डॉक्टर को पोस्ट करे किसी प्रिंसिपल को पोस्ट करे आप बात करें कि यहाँ से लड़के क्यों जा रहे लड़के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास वो लेक्चरर्स नहीं है उस सब्जेक्ट्स में यहाँ मेडिकल आज तक बारह साल हो गए डिग्री कॉलेज बने मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी हमारे लड़के इसलिए श्रीनगर में जा रहे हैं कोई इंजीनियर सेलेक्ट हो गया उसको तो श्रीनगर में कॉलेज है गुरेज में कॉलेज नहीं है आप वो फैसिलिटीज़ दीजिए गुरेज से कोई गुरेज का कोई भी लड़का बाहर नहीं जाएगा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइबल आपने अभी ट्राइबल का कोई ऑफिस खोला ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं स्कॉलरशिप को किस तरह से अप्लाई करना है आप यहाँ पर ट्राइबल का ये खोल दीजिए ऑफिस खोल दीजिए लोगों को पता चलेगा वो अवेयर हो जाएंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने सारे टीचरों को लेके ना जो बांडीपुरा में श्रीनगर अलग दफ्तरों में जाके कर डंप करके रखा है जैसे जैसे कि मतलब हम लेक्चर की बात करें वो सी ऑफिस में डंप होंगे टीचर या तो गवर्नमेंट ऐसा फैसिलिटी दे हमें कि सारे बच्चों को लेके वहीं पर कहीं पर हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी दे हम वहीं पर पढ़ें या ऐसी कोई स्कीम दे कि हमें पैसे दे फिर हम अपने खर्चे पे कहीं भी जाके पढ़ेंगे या तो वैसा हो क्योंकि हमारे टीचर यहाँ है नहीं इसलिए बच्चों को वहाँ पर माइग्रेट करना पड़ता है और दूसरी बात रही कि आप बोलते हैं वहाँ से आपके जो लोकल से फिर यहाँ आके ड्यूटी नहीं देते बानडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है कि लेक्चरर पोस्ट जो होता है वो एक स्टेट पोस्ट होता है जनरल लाइन टीचर एक लगता जो जॉब उनको मिलती है वो एक डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पर मिलती है क्या उन बडीपोरा वालों का हक नहीं है कि गुरेज में आके ड्यूटी दे वो क्या गुरेज वालों का हक़ नहीं है कि अपने माँ बाप के पास जाके बांडीपोरा में बैठे कि छः महीने हमारा गुरेज सात महीने भी कट ऑफ रह सकता है वैली से क्या बांट, क्या श्रीनगर वाला आ कर यहाँ पर ड्यूटी नहीं दे सकता है क्या वो सिर्फ़ वो अपनी सिफारिश लेके कर जा श्रीनगर में डंप हो है लेकिन तनख्वाह यहाँ से निकलती है अब हमारे तहसीलदार साहब कि इस चीज़ पे स्टेप ले रहे हैं कि हम जो टीचर वगैरह वहाँ पर है उनको वापस लाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये इन चीज़ों का मुश्किल ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े एक्चुअली मैं 2012 कश्मीर ट्वेल्व सर्विस से, से बिलोंग करता हूं आई एम फ्रॉम गुलमर्ग टंगमर्ग डिस्ट्रिक्ट बारहमुला तो जब मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जब मैंने पहली मीटिंग अपने सब सेक्टोरल ऑफिसरों से ली मैंने उनको बोला है ग्रेस में जो वर्किंग सीज़न होता है वो लिमिटेड होता है पाँच या छः महीने का उसके बाद विंटर में विंटर में कुछ काम होता नहीं मैंने उनको कहा जो भी नॉन स्पेशली मैंने नॉन लोकल ऑफिसर्स और मुलाजम को बोला है यहाँ पर आपको इंजॉय करने के लिए नहीं है काम करना है जो काम नहीं करेंगे मैं इसको यहाँ नहीं रह, रहने दूंगा काम करना है नॉन लोकल को मैंने स्पेशली उनको वार्न कर दिया वो ट्रेन ख़त्म हो जाएगी और और एक बड़ा मसला जो आप में यहाँ पर विंटर में जो मुलाजिम नहीं रहते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं यहाँ खुद विंटर में रहूँगा अगर अल्लाह का करम होगा मैं सबको यहाँ रखूँगा जब तहसीलदार बैठेगा दूसरी की क्या मजा लगे वो क्यों नहीं बैठेंगे सबको बैठना है यकीन ये मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस और चलते चलते मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी जो जितनी भी यहाँ पर पब्लिक हैं ठीक है हमारे मसाइल बहुत हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन एक चीज़ है कि हमें पब्लिक को ये भी है कि जो भी मुलाजिम जो भी ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको साथ साथ में अप्रिशिएट भी करना है ताकि वो इनकोज हो जाए ये नहीं है नेगेटिव पहलू ठीक है हमारे मसाइल हैं वो चलते रहेंगे उनका मसला वो चलता रहता है लेकिन जो चाहे वो अफसर छोटा सा छोटा मुलाजिम हो बड़ा सा बड़ा अफसर है अगर अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना है मैं एक एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ जैसे हमारे यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं लगता है जे के में कहीं 45 प्लस पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी लेकिन हमारा वाहिद एक ऐसा है जहां पर 100 प्लस 45 पॉपुलेशन हमने वैक्सीनेट करवाया है यह बड़ी अचीवमेंट है हमारे हेल्थ वर्कर्स पहाड़ों पर चले गए मुश्किल हालात में भी तो ये हमें यह चीज भी अप्रिशिएट करनी है मैम मेरा तो सबसे पहले यह सवाल है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर उसका एग्जामिन करेगा यहाँ तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ स्टूडेंट की यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो बड़े बड़े जवाब दे रहे हैं उनको क्या पता हम हमें क्या, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आपने पता है फिजिक्स फ़िज़िक्स की बात ही नहीं है यहाँ आर्ट्स के लिए हिस्ट्री टीचर जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से हम हमारे पास तो हिस्ट्री टीचर था ही नहीं फ़िज़िक्स तो मानो मेडिकल है ये सब उठाते हैं फिजिक्स नहीं है फिज़िक्स नहीं है बाकी का तो देखिए आप हमारे आर्ट्स का है ये था जोग्राफ़ी थी उसमें भी नहीं था हमारे हिस्ट्री थी वो भी नहीं था मैम इसके बारे में मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ उन्होंने कुछ एक्शन लिया कि नहीं हालांकि हमने तीन बार स्ट्राइक की तीन बार इसके लिए कि हमें हिस्ट्री टीचर नहीं है फिजिक्स नहीं है उस टाइम का एस साहब ने बताया कोई बात नहीं दो दिन में आ जाएगा वो दो दिन गए फिर आया ही नहीं कोई आपका सवाल है रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ जो हमारे लेक्चरर्स यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम से चाहे वो फिजिक्स की हो या आर्ट स्ट्रीम की है तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया आपने मेरे नॉलेज में लाया तो ऑलरेडी आपने एच साहब के नॉलेज में आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे मैं इमीडियटली एच साहब से इस बात में बात करूंगा कि ये क्या अगर हमारे यहाँ पर फैक फैकल्टी नहीं है स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं लेकिन फैकल्टी नहीं है फिर क्या उसका मकसद है इनशाला कोशिश करेंगे कि इसको फिर से दोबारा प्रोजेक्ट करने की कि अशद ज़रूरत है यहाँ का अगर फैक ये स्ट्रीम अवेलेबल है फैकल्टी नहीं है तो फिर क्या मकसद है तो आपने मेरे नॉलेज में मैंने नोट कर लिया तो इस पर इनशाला हम कोशिश करेंगे डी साहब से भी कि इसमें ये फैकल्टी आनी चाहिए नाजरीन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा अगर आपका कोई भी सवाल है हमारे इस प्रोग्राम के मुतालिक तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए लिंक्स आपके स्क्रीन पे शेयर हो रही है तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त अल्लाह हाफ़िज।